भारत के संसद का आज काफी महत्वपूर्ण दिन था। आज सदन में सबको पीएम मोदी का इंतजार था। पीएम मोदी पहुंचे भी। नरेंद्र मोदी ने आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर राहुल गांधी भी थे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के रामायण कथा वाले हमले का जवाब भी रामायण की कथा के साथ दिया। राहुल गांधी ने कल कहा था कि लंका को हनुमान ने नहीं बल्कि उसके अहंकार ने जलाया। पहले ये सुनते हैं। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। अब पीएम मोदी ने लंका जलाने वाली बात का क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। कल राहुल गांधी ने सदन में पीएम मोदी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो असल में लूट की दुकान है, नफरत की दुकान है। ये बयान सुनिए। प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इको सिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है। राहुल गांधी ने कल किसानों के मुद्दे पर बात की और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। पहले ये सुनिए। मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया, मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। अब राहुल गांधी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग कभी खेत में मूली नहीं उगा पाए वो क्या किसानों को समझेंगे। ये बयान सुनिए। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। अध्यक्ष जी, हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं,
जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। जब ऐसे लोग भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भारत में 50 साल तक उनके परिवार ने राज किया था। राहुल गांधी ने कल सदन में देशभक्त और देशद्रोही का जिक्र किया, सुनिए। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। राहुल गांधी की देशद्रोही वाले बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया और क्या कुछ कहा, आपको ये सुनाते हैं। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है उसको काट दें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। आज पीएम मोदी ने उन तमाम नेताओं को भी घेरा जिन्होंने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। पीएम ने कहा कि ये इंडिया नहीं घमंडिया है। आइए सुनते हैं। देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूँ, ये लोग, ये घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टिकरण की, ये तुष्टिकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को दो शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप थ्री अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप थ्री की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। और अंत में पीएम मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर भी जवाब दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है।
और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर सदन में आज पीएम मोदी 2 घंटे से भी ज्यादा बोले। प्रधानमंत्री मोदी की ये स्पीच आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।